हाँ तो बच्चों पेज नंबर उन्नीस कर निकालिए ज्ञान सेतु का गणित से का है ना संख्या देखकर इकाई और और दहाई इकाई और दहाई लिखिए है ना संख्या को देखकर इकाई और दहाई लिखना है तो इकाई देखिए दाई और से पढ़ा जाता है ना शुरू वाला दाई और से देखना है दाई में क्या है फाइव फाइव पाँच है तो पाँच को क्या बोलेंगे इकाई तो इकाई लिख देंगे दाई और क्या है बाई और देखिए एक है तो बाई और को क्या बोलते हैं दहाई है ना दाई ओर से गिनते आना है दाई ओर से इकाई दहाई तो इकाई हो गया पाँच दहाई हो गया एक है ना इकाई का मतलब क्या होता है एक दहाएँ का मतलब दस है ना देखिए यहाँ पाँच है यहाँ एक है तो एक लिख देंगे अब देखिए पाँच को पाँच ही लिखाना है इकाई में क्या होता है एक अंक का होता है और दहाई कितना अंक का होता दो है दो अंक तो एक के बाद यहाँ कितना अंक है एक तो एक के बाद एक जीरो दे देना है ना तो इसी प्रकार क्या हम लोग को बनाना देखिए उनचास उनचास में इकाई कौन है इकाई में नौ तो नौ लिखेंगे फिर दहाई में कौन है चार तो चार लिखेंगे अब इकाई में ना नौ, नौ का क्या है नौ ही रहेगा और दहाई में क्या है चार चार के बाद कितना अंक है एक एक अंक तो एक ज़ीरो दे देना दहाई बनाने के लिए क्या है एक जीरो लगाया जाता है है ना उसी प्रकार देखिए पचास में तो जीरो इकाई हो गया दहाई में क्या हो गया पाँच ज़ीरो का ज़ीरो हो जाएगा इकाई और इसको इकाई में बनाने के लिए क्या है पाँच दे के एक ज़ीरो पाँच देखें एक अंक है तो एक ज़ीरो देना है उसी प्रकार चार इकाई है और दहाए में क्या है छः तो चार और छः हो गया अब इकाई का इकाई चार हो गया और इकाई बनाने के लिए क्या करते हैं छः में एक अंक है तो एक ज़ीरो उसी प्रकार देखिए अट्ठासी तो इकाई में आठ है फिर दहाई में आठ है इकाई का आठ हो गया और इकाई बनाने के लिए क्या करते हैं आठ देके एक ज़ीरो क्योंकि आठ के बाद एक अंक है तो एक जीरो दे देना है ना दहाई बना अब फिर इसमें क्या है संतानवे संतानवे का इकाई में क्या है सात फिर दहाई में नौ इकाई में सात हो जाएगा और नौ के बाद एक अंक है तो एक जीरो इकाई बनाने के लिए अब पेज नंबर बीस निकालिए संख्या देखकर इकाई और दहाई लिखिए है ना संख्या को देखकर इकाई और दहाई दोनों लिखना है देखिए उसी प्रकार से है है ना छिहत्तर तो छिहत्तर का इकाई में क्या हो गया छः और दहाई में सात तो छः इकाई का इकाई हो गया और इसको इकाई बनाने के लिए क्या सात के बाद कितना अंक है एक अंक तो एक अंक में सात के बाद एक ज़ीरो उसी प्रकार नब्बे नब्बे का इकाई में क्या है जीरो और दहाई में नौ तो नौ लिख देना है उसी प्रकार इकाई ज़ीरो हो गया नौ के बाद क्या है एक अंक है तो एक और ज़ीरो उस प्रकार नौ इकाई में हो जाएगा फिर यहाँ दहाई में पाँच फिर नौ जैसा करते पाँच के बाद एक अंक एक जीरो अस्सी अस्सी में इकाई क्या होगा जीरो आठ दहाई हो जाएगा फिर जीरो फिर आठ के बाद एक अंक तो एक जीरो है ना आठ के बाद एक जीरो लगा देना फिर सैंतालीस में इकाई क्या सात दहाई में चार इकाई का साथ ही हो जाएगा और चार के बाद एक अंक तो एक जीरो चार के बाद है ना फिर तिरसठ में इकाई हो गया तीन दहाई हो गया छः तीन का तीन इकाई में हो जाएगा और इकाई बनाने के लिए क्या छः के बाद एक अंक जीरो तो छः के बाद एक जीरो अब नवासी नवासी में नौ होगा इकाई आठ होगा दहाई इकाई फिर नौ लिखेंगे और इकाई बनाने के लिए क्या आठ के बाद एक अंक तो एक ज़ीरो एक सौ एक सौ में देखिए इकाई में क्या है इकाई में जीरो और दहाई में क्या है दस है ना तो इकाई में जीरो और दहाई में क्या है दस इकाई बनाने के लिए दस है दस के बाद एक अंक तो एक जीरो है ना लिख देना है अब पेज नंबर इक्कीस की ओर निकालिए संख्या देखकर इकाई व दहाई लिखिए संख्या को देखना है और इकाई और दहाई क्या दोनों लिखना है देखिए संख्या क्या है छिहत्तर छिहत्तर तो दाई और में क्या होता है इकाई दाई और इकाई होता है फिर दहाई फिर तीन रहता है तीन अंग तो सैकड़ा फिर हज़ार दस हज़ार इस प्रकार बढ़ते जाता है है ना तो शुरू वाला क्या होता है इकाई तो इकाई में क्या हो गया छः और दहाई में क्या हो जाएगा सात सात लिख देंगे उसी तरह सत्ताईस सत्ताईस में इकाई कौन हो जाएगा सात है ना और दहाई क्या हो जाएगा दो उसी प्रकार सात सात में इकाई क्या हो गया सात और दहाई में कुछ है नहीं नहीं है ना कुछ नहीं यानी ज़ीरो है ना ठीक उसी प्रकार इसमें संख्या है सैंतीस सैंतीस में, में इकाई कौन हो जाएगा सात दहाई क्या हो जाएगा तीन छप्पन में इकाई हो जाएगा छः और दहाई हो जाएगा पाँच छसठ में इकाई हो जाएगा छः और छ भी हो जाएगा छः उसी प्रकार देखिए चौसठ में इकाई हो जाएगा चार दहाई हो जाएगा छः आठ में इकाई हो जाएगा आठ दहाई हो जाएगा कुछ नहीं दहाई कुछ है नहीं नहीं, नहीं तो जीरो दे देना फिर उनचालीस उनचालीस में इकाई में क्या होगा नौ दहाई में क्या हो जाएगा तीन उसी प्रकार संख्या देखिए छियासी है छियासी का इकाई में कौन है छः छः लिखेंगे दहाई में आठ उसी प्रकार पच्चीस में इकाई हो जाएगा पाँच दहाई हो जाएगा दो पैंतालीस में इकाई हो जाएगा पाँच और दहाई हो जाएगा चार उसके बाद क्या संख्या लिखिए है ना कौन सा संख्या बन रहा है उसको लिख देना है देखिए इकाई में है चार तो इकाई में क्या लिखेंगे चार दहाई में नौ तो नौ और चार दे देंगे है ना इकाई को पहले लिखते हैं दहाई को बाद में है ना दाई ओर से लिखना है बाई ओर से लिखने से फिर गड़बड़ हो जाएगा है ना तो दाई ओर से लिखा जाता है है ना तो इकाई में क्या है चार तो चार लिख देंगे दाई ओर से दहाई में क्या है नौ तो नौ लिख देना है उसके बाद उसी प्रकार चार और नौ है तो इकाई में क्या है नौ दहाई में चार फिर इकाई में तीन दहाई में सात इकाई में दो दहाई में सात इकाई में जीरो दहाई में छः फिर इकाई में आठ दहाई में नौ उसी प्रकार इकाई में आठ दहाई में नौ इकाई में पाँच दहाई में जीरो आप जीरो लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं है ना ये जीरो में लिख देंगे तो पाँच ही पकड़ाएगा पकड़ाएगा ना संख्या क्या पाँच ही बनेगा तो आप जीरो नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा है ना तो यहाँ हो गया फिर यहाँ पर दाई और यदि इकाई में यदि जीरो है तो लिखना पड़ेगा दहाई में जीरो है तो नहीं लिखने से भी चलेगा है हाँ ना है हाँ ना क्योंकि दहाई में जीरो है तो चलेगा लेकिन इकाई में यदि जीरो रहता है तो उसको लिखना होगा है हाँ ना उसको दहाई में चार है तो लिख देंगे अब देखिए इकाई में पाँच और दहाई में एक इकाई में तीन दाएँ में तीन इकाई में छः दहाँ में पाँच तो लिख देना है थैंक यू दोस्तों इसके बाद अगले वीडियो में इसका से बाद वाला पेज नंबर बताएँगे ठीक है